बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफ्तार किचन में खुश आमदीद। जो जो चीज़ें मैं अफ्तार के लिए तैयार की हैं वो तमाम चीज़ों के छोटे छोटे क्लिप आपसे शेयर कर रही हूँ। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। प्लीज़ जो चैनल पर आते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। मैंने शेयर करी जो अफ्तारी के लिए मैंने चीज़ें बनाई हैं, दही भल्ले, फ्रूट चाट और मीठी सेवैयाँ और मिल्क शेक स्ट्रॉबेरी का और ब्रेड पकौड़े, खजूरें और फ्रूट दही भल्लों के ऊपर डालने के लिए ये कुरकुरे लिए हैं, लेज लिए, निमको लिए। बच्चे शौक से खाते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। तो आप भी इसको यूज़ किया करें, ये बहुत इसका टेस्ट आता है। तो दही भल्लों के लिए रायता, सादा पानी, चाटी की लस्सी, ये तो हर रोज़ ही हम बनाएंगे इंशाल्लाह। ये हमें बहुत पसंद है, हम ये बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी का जूस है, मिल्क शेक है, ये भी हम हर रोज़ ही बनाएंगे इंशाल्लाह। और जो फ्रूट दही भल्ले है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी, इसमें मैंने वो मसर जो है वो उबैल करके वो भी ऐड की है ताकि इसको हर रोज़ खा खा कर दिल जो है ना वो उकसान आ जाए। और ये धनिया है, इनको मैं तो ये मसाला प्याली मैंने अलग ही डाल दी है। दो मीडियम साइज के प्याज चॉप किए हुए वो मैंने डाल दिए। और ये रात की अफ्तारी एक चम्मच सब्ज़ मिर्ची और टमाटर, कुछ वीडियो जो है वो मैं शॉर्ट बना रही हूँ तो टाइम भी कम है और जो है रखें और भी मैं जो जितने आ को मैंने पहले उबैल कर लिया था, मेरे पास टाइम बहुत कम था इसलिए। माशाल्लाह मसर का सालन जो हमारा जनाब बेली हूँ, आज मैं बनाने लगा ब्रेड के पकौड़े। ये तुम खाओगे तो दूसरे तुम भुल जाओगे, हमेशा तुम ब्रेड के बना के खादे करोगे। इंजॉय करो। माशाल्लाह ब्रेड पकौड़े हमारे जो है वो तैयार हो चुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं दही भल्ले बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने भल्लियों को भगो के रखा था वो मैंने डाल दी है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। बहुत पसंद करते हैं, अगर मैं पहले ये ऐड करूँगी तो अभी तक अफ्तारी में जो टाइम है वो बाकी है, तो ये पहले जो डालूंगी तो ये इसका रिजल्ट जो अच्छा नहीं आएगा टेस्ट। और इमली की और आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी, तो चाट मसाला और जितना जितना कोई पसंद करेगा वो खुद ही अपना ऐड कर लेगा। ये अफ्तार के लिए मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। ये तो जितनी ज़रूरत हो उतनी हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें बर्फ ऐड में नहीं करूँगी तो अगर स्टोर करके लगता है तो घंटे में हमारा मिल्क शेक जो हो जाए। तभी मैं तो